तो जैसा कि ऑपरेटर के सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना लिया है और ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पैरिटी ऑपरेटर होता क्या है कि पैरिटी ऑपरेटर इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर डिनोटेड बाई पाई फॉर ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। कोई भी फंक्शन हो, मान लीजिए साई एक्स या तो एफ एक्स, जिसमें वेरिएबल एक्स हो या तो वेरिएबल वाई हो, मतलब वन वेरिएबल के लिए इट इज़ अ रोटेशन। अगर हम किसी भी फंक्शन साई एक्स पे अगर पैरिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार हो जाता है, साई माइनस एक्स। ठीक है, मतलब पैरिटी ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ओके, और अगर हम किसी वेव फंक्शन में उसको यूज़ करते हैं तो पैरिटी ऑपरेटर यूज ऑन वेव फंक्शन गिव्स द रिजल्ट इन दिस फॉर्म, साई माइनस एक्स। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास अगर दो वेव फंक्शंस हो, इफ वी हैव टू फंक्शंस साई वन एंड साई टू। ठीक है, तो हम अगर साई वन और साई टू हमारे पास दो फंक्शन हो और उन दोनों में हम पेरिटी ऑपरेटर यूज़ करें, मान लीजिए पाई ऑपरेटर साई वन एक्स प्लस साई टू एक्स, तो दोनों में हमने एक साथ पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया है, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा। हमें पता है पहले कोई भी ऑपरेटर पहले इसमें ऑपरेट होगा फिर इसमें ऑपरेट होगा, तो मेरा जो आएगा पाई ऑपरेटर साई वन एक्स प्लस पाई ऑपरेटर साई टू एक्स। और मुझे पता है पाई ऑपरेटर अगर साई वन एक्स में ऑपरेट हो तो वो क्या हो जाएगा, साई वन माइनस एक्स। ठीक है, इस कंडीशन से साई वन माइनस एक्स, और अगर पाई ऑपरेटर मेरा साई टू में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साई टू माइनस एक्स। तो जनरली ये कंडीशन क्या शो करता है कि पेरिटी ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी पेरिटी ऑपरेटर हो और उसको हम कोई भी कांस्टेंट पे ऑपरेट करें फिर भी हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, पेरिटी ऑपरेटर किस में ऑपरेट होगा, साई एक्स पे, और आंसर मेरा क्या होगा, सी साई माइनस एक्स। तो इन दोनों कंडीशन से हमें पता चलता है कि पेरिटी ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि यही तो लीनियर ऑपरेटर का कंडीशन है जो कि हमने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो हमें और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरिटी ऑपरेटर, नोट लिख लीजिए, पेरिटी ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ओके, पेरिटी ऑपरेटर इज ऑल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर, और वो आप चेक कर सकते खुद क्योंकि बहुत इजी है। हर्मिशियन के कंडीशंस में बस हर्मिशियन के कंडीशंस को बस प्रूफ करना है, तो पेरिटी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे कि आइगन वैल्यू ऑफ पेरिटी ऑपरेटर निकालेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, तो मेरा जो हेडिंग है वो है आइगन वैल्यू ऑफ पेरिटी ऑपरेटर। ओके, तो हमें पता है कोई भी अगर ऑपरेटर हो उसका उसको हम किसी भी आइगन फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें आइगन वैल्यू मिलता है। तो मान लीजिए मेरा ऑपरेटर यहाँ पर पेरिटी ऑपरेटर है पाई, जिसको हम पाई से नोट करें, तो पाई को हम शाई में ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा शाई, जो कि आइगन वैल्यू का मतलब आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का रिलेशन है। तो यहाँ पर लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू, एंड पाई ऑपरेटर इज पेरिटी ऑपरेटर। ओके, तो ये कंडीशन तो आइगन वैल्यू का हमें पता है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब अगेन ऑपरेटिंग बाई पाई,
तो फिर से अगर पाई इस इक्वेशन में ऑपरेट करे तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई पाई शाई ओके इज इक्वल टू पाई ऑपरेटर लेमडा शाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाई ऑपरेटर स्क्वायर शाई इज इक्वल टू पाई ऑपरेटर, अगर मैं लेमडा शाई पे ऑपरेट करूं, ठीक है, तो मेरा लेमडा तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा बाहर, निकल गया लेमडा बाहर, तो पाई ऑपरेटर शाई, और पाई ऑपरेटर शाई का वैल्यू क्या होता है, लेमडा शाई। ठीक है, तो पाई ऑपरेटर का वैल्यू लेमडा शाई, तो दिस मींस पाई ऑपरेटर स्क्वायर शाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर शाई। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देख लीजिए, मुझे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर मुझे पता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर हमें क्या पता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर कि पेरिटी ऑपरेटर पाई शाई एक्स इज इक्वल टू शाई माइनस एक्स, ये तो पेरिटी ऑपरेटर का डेफिनेशन है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पे यूज करता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई ऑपरेटर स्क्वायर शाई एक्स इज इक्वल टू पाई ऑपरेटर शाई एक्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखिए पाई ऑपरेटर शाई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, शाई माइनस एक्स, और इसमें से फिर से पाई ऑपरेटर रह जाएगा, तो फिर मैं शाई माइनस एक्स में फिर से पाई ऑपरेटर ऑपरेट करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, शाई ऑफ एक्स। तो पाई स्क्वायर शाई एक्स का अगर मैं डेफिनेशन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर देखूं तो उसका वैल्यू क्या आता है, शाई एक्स। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, ठीक है, तो हम क्या कर, हमें क्या मिल रहा है कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 सेटिस्फाई ईच अदर, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि पाई स्क्वायर साई भी लेमडा स्क्वायर साई आ रहा है, साई पॉजिटिव, यहां पर भी पाई स्क्वायर साई साई पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर पाई स्क्वायर साई एक्स का वैल्यू सिर्फ साई एक्स है तो इन दोनों कंडीशन से मेरा लेमडा स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तभी तो पाई स्क्वायर साई इक्वल टू साई आ जाएगा अगर लेमडा इक्वल टू 1, क्योंकि ये मेरा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर मुझे क्या मिल रहा है कि पाई स्क्वायर साई एक्स का वैल्यू क्या है, साई एक्स। तो यहां पर जो मेरा लेमडा स्क्वायर है उसका वैल्यू जब 1 होगा तभी पाई स्क्वायर साई इक्वल टू साई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा मेरा क्या है, आइगेन वैल्यू, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि लेमडा स्क्वायर शुड इक्वल टू 1। ओके, दिस मीन्स व्हाट, लेमडा शुड इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, सो द आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू प्लस 1 ऑफ द पेरिटी ऑपरेटर आर इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लस 1 हो, मतलब आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लस 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, शाई ई से, शाई ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू शाई ई ऑफ माइनस एक्स। ओके, ये प्लस 1 के केस में, अगर लेमडा इक्वल टू प्लस 1 हो तो वे फंक्शन इवन वे फंक्शन, अगर लेमडा इक्वल टू माइनस 1 हो तो वे फंक्शन जो है वो ऑड वे फंक्शन। ओके, तो साई ऑड एक्स इज इक्वल टू साई नॉट साई ऑड माइनस एक्स। ओके, तो यहां पर इवन फंक्शन भी है ऑड फंक्शन भी है, तो साई एक्स क्या है, इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन।
तो साई एक्स प्लस साई एक्स, ठीक है। और इसको और अगर थोड़ा एडवांस वे में लिखे तो हम इससे लिख सकते हैं हाफ ऑफ साई एक्स प्लस साई माइनस एक्स, ठीक, प्लस हाफ ऑफ साई एक्स माइनस साई माइनस एक्स। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई एक्स है, ठीक। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेटी ऑपरेटर का, तो वो है कि शो दैट पेरेटी ऑपरेटर कॉम्यूट विथ हैमिल्टोनियन, शो दैट पेरिटी ऑपरेटर कम्यूट विथ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमको पता है, और कोई भी अगर ऑपरेटर हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट हो जाता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर हमें पता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स। ओके, पी ऑपरेटर स्क्वायर 2m प्लस वी ऑफ एक्स, और पी ऑपरेटर का हमें वैल्यू पता है माइनस आई एच का डेल डेल एक्स, ठीक है। तो फिर हैमिल्टन ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो हैमिल्टन ऑपरेटर हमारा हो जाएगा, एच ऑपरेटर क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी 2 बाई डी एक्स 2, ठीक है। प्लस वी एक्स, ठीक। तो क्योंकि हमें चेक करना है कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर कम्यूट करते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले मैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा देता हूँ, एच ऑपरेटर साई एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर 2m डी 2 डी एक्स 2 साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स, ठीक है, ये सिस्टम। अब क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टनियन के साथ ऑपरेट कराना है, तो पेरिटी ऑपरेटर में डिनोट करता हूं पाई से, हैमिल्टन ऑपरेटर मेरा एच ऑपरेटर साई एक्स ऑलरेडी है, तो मेरा एच ऑपरेटर साई एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा कि पाई ऑपरेटर, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, तो पाई ऑपरेटर मेरा पहला ऑपरेट होगा, पाई ऑपरेटर डी 2 बाई डी एक्स 2 साई एक्स प्लस पाई ऑपरेटर वी एक्स साई एक्स, वी एक्स साई एक्स। एक बात आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऑपरेटर का जो सीक्वेंस होता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर पाई ऑपरेटर पहले है तो आपको यहां पर पाई ऑपरेटर पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर एच का जो ऑपरेटर है उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एच ऑपरेटर पहले लिख लें पाई ऑपरेटर बाद में लिखे, क्योंकि अगर क्योंकि ये सिस्टम होता है, मान लीजिए ऐसा होता है पाई ऑपरेटर एच ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू एच ऑपरेटर पाई ऑपरेटर, ओके, ऑफ साई वेव फंक्शन साई, तो ये जरूरी नहीं इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप ऑपरेटर का सिक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कॉन्स्टेंट के बाद ही पाई ऑपरेटर को पहले ऑपरेट किया हुआ है, यहां पर भी सेम पाई ऑपरेटर को मैंने पहले ऑपरेट किया है, ठीक है। तो पाई ऑपरेटर मेरा क्या करता है, कोई भी वेव फंक्शन पे अगर पाई ऑपरेटर मैं करूँ तो वो क्या करता है, वेव फंक्शन को ऐसा करता है साई माइनस एक्स। तो आप इस कंडीशन से देखिए, पाई ऑपरेटर
एच ऑपरेटर साई एक्स शुड इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एच का स्क्वायर अपॉन टू एम, तो पाई ऑपरेटर डी टू डी एक्स टू साई एक्स, तो इसको क्या कर देगा, डी टू डी एक्स टू साई माइनस एक्स कर देगा पाई ऑपरेटर, प्लस पाई ऑपरेटर वी एक्स में ऑपरेट होगा तो इसको कर देगा वी माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पर साई माइनस एक्स, ठीक है ठीक है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर v माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वी एक्स, पोटेंशियल में इस माइनस एक्स और एक्स में पेरिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। पेरिटी ऑपरेटर मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई ऑपरेटर एच ऑपरेटर साई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन टू एम, ओके, डी टू डी एक्स टू साई माइनस एक्स, ओके, प्लस वी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वी ऑफ माइनस एक्स को वी ऑफ एक्स साई माइनस एक्स, ठीक है। और इसको अगर मैं फर्दर लिखूँ तो यहाँ से मैं देख एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर अपॉन टू एम बाई डी टू डी एक्स टू प्लस अगर वी एक्स में कॉमन ले लेता हूँ, इस प्रकार से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ सही, ओके। तो अब ये जो चीज है एच का स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू डी एक्स टू, पाई ऑपरेटर किसका वैल्यू है, एच ऑपरेटर साई ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, एच ऑपरेटर, ठीक है, साई ऑफ एक्स, एच ऑपरेटर साई ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं इस ऑपरेटर में अगर एच ऑपरेटर ऑफ पाई ऑपरेटर ऑफ साई एक्स करता हूं, अगर मैं पाई ऑपरेटर ऑफ साई एक्स करता हूं तो ये कौन सा वैल्यू आता है, साई ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस मीन्स मेरा क्या होगा, पाई ऑपरेटर एच ऑपरेटर ऑफ साई ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म एच ऑपरेटर पाई ऑपरेटर साई ऑफ एक्स। तो ये यही तो मेरा होता है, अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर शुड इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, तो मैं क्या कहता हूँ कि दोनों ऑपरेटर कम्यूट हो गए। तो यहाँ पर ए ऑपरेटर में मेरा क्या है, पेरिटी ऑपरेटर, बी में मेरा क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर, तो यहाँ पर बी में मेरा क्या है, हैमिल्टनियन, ए में क्या है, पेरिटी, दिस मीन्स व्हाट, हैमिल्टनियन ऑपरेटर एंड पेरिटी ऑपरेटर कम्यूट विथ ईच अदर, ओके। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख भी सकता हूँ, एच ऑपरेटर पाई ऑपरेटर माइनस पाई ऑपरेटर एच ऑपरेटर शुड इक्वल टू जीरो, और मैं सिंपली लिख सकता हूं कि एच ऑपरेटर कम्यूट विथ पाई ऑपरेटर, ओके। तो ये हमें प्रूफ करना था।